ये है अपनी सपनों की नगरी मुंबई। वैसे तो यहाँ दिन रात काफ़ी हलचल होती है, बट इस खामोशी की वजह हमें आगे इस कहानी में पता चलने वाली है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये सब है कौन, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये सब जानने के लिए आपको कहानी को शुरुआत से देखना होगा। तो चलो इस कहानी को शुरुआत से चालू करते हैं। पर कहानी को शुरू से शुरुआत करने से पहले हम मिलाते हैं आपको इस कहानी के किरदारों से। इनसे मिलिए, इनका नाम है केतन। वैसे तो ये दिमाग से है बड़े तेज, पर ये बोलने में है थोड़े फेल। बहुत बढ़िया। इनसे मिलिए, ये है हमारे कहानी के दूसरे किरदार सुकराज। वैसे तो ये पैसों से है बड़े अमीर, पर शरीर से है थोड़े गरीब। अब इनसे मिलिए, इनका नाम है क्रिश, इस कहानी के दमदार किरदार। वैसे तो ये है बड़ा शाना, बस दिमाग में इसके है सिर्फ खाना। उड़ते हुए छिपके लिए अंडे। ये है विनित, इस कहानी का आखिरी किरदार। वैसे तो ये है छपरी, क्योंकि जाता है ये टपरी। अबे दूँ क्या तेरे को। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। क्या बोलते दोस्तों? हे ब्रो वेट। अबे गाली किसको दे रही है? बहुत बढ़िया। गाइस नाइन का रिजल्ट आ गया है। सुकराज फेल हो गया क्या? अबे आगे क्या करेगा? अपना वाइट ट्रक चलाएगा। नो ट्रक ब्रो, इट्स लॉरी। लॉरी ब्रो भाई, लॉरी नहीं लॉरी। अभी तू क्या करेगा? ये तो अपना क्लीनर बनेगा। अबे मोटे थोड़ा खाना बंद कर। अबे छपरी तू जाना बंद कर। अबे पढ़ा को इतना शांत क्यों है? गाइस सबको पास कर दिया। 9वी आणि 11वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे, ती आपण पाहूयात। तर परीक्षेविनाच विद्यार्थ्यांना पास केलं जाणार आहे। इस बार तो अपने पास कर दिया रे, अगली बार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम लोग को ब्रो अपने पास तो कैश है। ओ नवी आई कहिंदे थारवे जट्टा महिंद्रा चे। और पाजी क्या आला? कुछ नहीं रे, बस बाली बाल। हेलो हेलो क्रिश, कल प्रोजेक्ट सबमिशन। ये कब हुआ? इसीलिए बोलते ऑनलाइन लेक्चर में ध्यान दिया करो। हाँ ठीक है, चल अभी इतना ज्ञानी मत बन, मैं आता हूँ फिर अपन साथ में करते हैं। हाँ ठीक है। और पब्लिक क्या मचा रहे? बिजनेस प्लानिंग ब्रो, बिजनेस प्लानिंग। कौन सा बिजनेस? बनाने का रे, ये मत पूछ क्या बनाने। अरे ये सब वेला के लिए छोड़, कल प्रोजेक्ट सबमिशन है, चल जाके प्रोजेक्ट बनाते। अबे इधर ला मोटे। ये मेरा बिस्किट। यार बिस्किट लेके जाना यार, वो इतने मुश्किल थी। वो मुश्किल थी। चल चल तेरे नया देना दो। ये बोला था ना नया बिस्किट दे रहा है, कैसे है बोलो ना। जा जा रोमन। क्या बड़ा तू कीड़े ज्यादा बड़ा लगता है। ओए चुप चुप कर।
दे रूम स्टडी ब्रो। ये गाली किसको दे रहा है? चुप रहे। हो गया तुम लोग का? तेरा हो गया क्या? हाँ दो ले। हो गया तुम लोग का? अभी तुम लोग को पता है कल कौन सा प्रो 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 A few moments later. Pro, pro, pro. इतनी बात बोलने के लिए इतना टाइम कौन लगाता है यार? जल्दी बोल यार, भूख लग रही है। आना यार ब्रो, जल्दी बोल यार, प्रोजेक्ट है। इतना टाइम काहे के लिए लगा है इतने से बोलने के लिए? क्या है ये हैशटैग लवेश का नया व्लॉग आया, देखे क्या तुम लोग? अपने भाई का व्लॉग आया। ए क्रिश, अरे क्रिश, ए क्रिश क्या कर रहा है? मेरा आवाज क्या कर रहे तुम लोग यार? क्या पढ़ाई करना है तुम लोग के साथ? क्या हो गया इसको? क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? अपन प्रोजेक्ट विजेक्ट बाद में करते, पहले अपन आईपीएल देखते। आज तो चेन्नई जीतेगा। नहीं रे, अंबानी अपने डैड का दोस्त है। ए विनी, जरा फोन लगा, जरा पैसा लगा मुंबई इंडियंस पे। चक्का इधर है। बस तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग खुद भी फेल होएंगे, मेरे को भी फेल कराएंगे टेंथ में। जाओ तुम लोग इधर से, निकलो मेरे घर से, निकलो तुम लोग मेरे घर से। मेरे को जिंदगी में कुछ बनना है, तुम लोग का कुछ नहीं होएगा, मेरे को पढ़ लिख के आगे बढ़ना है। भाई जिधर अपनी इज्जत नहीं ना, उधर अपन एक मिनट भी रुकते नहीं। A few moments later. इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, यानी उन्हें रद्द कर दिया गया है। क्या बोलता है बच्ची? क्या बोलता है? क्या खा रहा पी रहा है? भाई कोई तो बोल रहा था कि अपन फेल होने वाले, पर अपन तो पास हो गए। इसको बताया क्या अपना चाचा विधायक है, इसको क्या मालूम है? अरे क्या है, तो बंगलो पे टीवी भी लगा है कि नहीं? भाई लगा दिया ना यार ब्रो। हाँ तो भाई इसको भी बताओ जरा अपने वाले पे टीवी है। अरे भाई पर नहीं क्या सुना मुद्दे की बात यार, कि 10वीं अपन पास हो गए। अरे कॉन्ग्रेट्स। किस बात के लिए? आपको पता नहीं चला सब बच्चे पास हो गए? क्या फ़ायदा ऐसे बच्चों को पास करके? उन बच्चे के बारे में भी सोचो जिन्होंने दिन रात मेहनत की अच्छे नंबर से पास होने के लिए। उनको भी उतने मार्क्स मिले जितने उन बच्चे को मिले जिनके पास होने की भी उम्मीद नहीं थी। दोनों को सेम मार्क्स दिए गए। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हो, बट आप इस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि जो बच्चे फेल होने वाले थे उनको फ्यूचर बनाने का और एक मौका मिल गया। मैं मानता हूँ कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से गलत है, मगर अगर आप देखोगे तो हमने जाने अनजाने में कम से कम 2 से 2500 बच्चों की जान बचा ली। वो कैसे और इस बात का उससे क्या लेना देना है? आपको पता है अकॉर्डिंग टू इंडियन सर्वे हर साल 2 से 2500 बच्चे सुसाइड कमिट करते हैं एग्जाम में फेल होने की वजह से। बात तो सही कही है, पर आज के टाइम पे कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स को उनके बच्चे सबसे आगे चाहिए। सबको ये चाहिए कि उनके बच्चे 90% से ज़्यादा लाए। अरे ये सोच तो बदलनी है कि हमें सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, हमें नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। बट एक्चुअली इस पर हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती है कि यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ लोग थ्योरी पढ़ा दे। हमें हर चीज़ों के लिए सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी हमें खुद भी उठानी चाहिए। ये तो सच कहा है आपने कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं और हमें इसके लिए कुछ तो स्टेप लेना चाहिए। पर इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सिस्टम को तो बदल नहीं सकते, पर हम बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं जिससे उन्हें पढ़ाई बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग लगे। तो इसीलिए बोलते मार्क्स लाने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो, क्योंकि मार्क्स काम नहीं आएंगे, नॉलेज काम आएगा। तो ये थी हमारी छोटी सी खूबसूरत कहानी, होप करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अरे क्या चोमो, इतना क्या भड़क रहे? 11th में अपन बुक फाड़ के पढ़ेंगे, टेंशन मत ले। सच्ची
बारहवीं भी ऐसे ही पास होंगे। हाँ, आपके सामने गा देने वाले हैं बेहतरीन कलाकार सुखे। अब देखिए और एंजॉय कीजिए। बिस्किट खत्म। प्रोडक्शन से बिस्किट मांगता हूँ मैं। प्रोडक्शन ने तेरे को बड़ा पाव दिया। प्रोडक्शन का बजट बढ़ गया इसके चक्कर में। साले कितना है सुखराज, कितना खा रहे है? कम से कम इसने 500 रुपए का खर्चा करा है दो शूट में। अरे हाँ भाई, वही सोचो, अमीर आदमी को गरीब कर दिया इसने। देखो नीचे देखना है, जैसे ऊपर देखेगा चश्मा ऊपर करना। देखो अरे उसको क्या अभी सिलेबस निकाल के दे रहा है। ए हवा दिल को दिखा दे। स्टार बीट कुछ तो बोल खाली। चल 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 कर रहा खाली बस। आप इस पॉइंट पे सुधर। हर चीज के लिए हम सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ चीजों की जिम्मेदारी हमें खुद उठानी चाहिए। अभी से लेके गाड़ी की आवाज आ गई है। किस बात के लिए कांग्रेचुलेशन? आपको पता नहीं चला सब बच्चे पास हो गए। पेट भी अंदर रखो सब। पेट आएगा ही ना तुझे। कैमरा एक्शन।